बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन लैमना माइनर के बेनिफिट्स के बारे में, यूजेस, साइन, सिम्टम, कौन सी पावर में आपने इसको इस्तेमाल करना है, प्राइस क्या है, किस कंपनी की आपने लेनी है, कहाँ से आपको आसानी से मिलेगी, सारा कुछ बताऊँगा। शुरू करने से पहले आपसे मेरी हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन कर दें, ताकि जब भी न्यू पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को फुल वॉच करें, एंड तक देखें ताकि आपको सारी समझ आ जाए। डियर फ्रेंड्स, लैमना माइनर के बारे में बात करते हैं हम। लैमना माइनर नज़ला की खास दवा है, नाक के नथनों पर इसका एक खास और बेहतरीन रिजल्ट होता है। नाक की रसौली में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। नाक की हड्डी की सूजन, नाक की हड्डी की स्वेलिंग, कमजोरी के बायस नाक की हड्डी का टेढ़ापन या फिर सूजन या फिर इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग वगैरह का मसला बन जाए तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। नाक बंद होने की वजह से अगर आपको दमे का मसला हो जाता है, सांस लेना दुश्वार हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, तो ये मेडिसिन आप ले सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा बरसात के मौसम में मरीज को सांस लेना मुश्किल होता है, छींके वगैरह लग जाती हैं, एलर्जी रिनाइटिस का मसला है, तो ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। मौसम की तब्दीली की वजह से अगर आपको नज़ला, ज़ुकाम, छींके, नेज़ल पॉलिप्स या फिर साइनोसाइटिस का मसला बनता है तो ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको इसके मिलेंगे। इसके अलावा नाक से कान तक मरीज को डंग लगने जैसा दर्द महसूस होता है, नाक की हड्डी का बढ़ जाना या फिर नाक की हड्डी का टेढ़ापन, नाक से सड़ी हुई बदबू आती है, इसके अलावा मरीज को स्मेल आना जो है वो बंद हो जाती है। तो इस तरह के मसाइल के लिए लैमना माइनर मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। अलावा धूल मिट्टी से अगर आपको एलर्जी होती है या फिर बरसात के मौसम में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, एलर्जी रिनाइटिस का मसला बन जाता है, छींके, नज़ला, ज़ुकाम, सर दर्द, गले में जो है खुश्की होना, तो इस तरह के मसाइल के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा अगर आपका नोज़ खुश्क रहता है और खलक खुश्क रहता है तो ये दवा लाजमी ले, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में अगर आपको सहाल लगते हैं, पेट खराब हो जाता है, बरसात के मौसम में अगर आपको बुखार होता है तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। इसके अलावा इसकी मुआवन मेडिसिन जो है वो है लैमना माइनर के साथ नेट्रम सल्फ और ट्यूक्रिकम जो है इसकी मुआवन मेडिसिन है, बहुत ही शानदार रिजल्ट देती हैं। इसके अलावा साइनोसाइटिस के लिए, नेजल पॉलिप के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब मैं आपको बता दूं ये आपने मेडिसिन कौन सी पावर में लेनी है। लैमना माइनर आपने 30 CH या फिर 30 potency में इस्तेमाल करनी है। कौन सी कंपनी की, जर्मनी कंपनी की, डॉक्टर एक्वज कंपनी की या फिर विल्मा श्वाबे कंपनी की आपने इस्तेमाल करनी है। बहुत ही अच्छे इसके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके यूजेस कुछ इस तरह से हैं कि 2 ड्राप सुबह, 2 ड्राप रात के वक्त आपने इस्तेमाल करने हैं। लंबे अरसे तक इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें, 3 से 4 मंथ रेगुलरली यूज़ करें, जो जो मैंने अलामात बताएं तो इंशाल्लाह आपका ये मसला जड़ से ख़त्म हो जाएगा, आपको इस उम्र से आराम आ जाएगा। अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि नेजल पॉलिप है या फिर साइनोसाइटिस का मसला है, नाक की हड्डी बढ़ गई है, टेढ़ापन है, तो इसका ऑपरेशन करवाएं तो वो करवाने की ज़रूरत नहीं, आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करें लंबे अरसे तक, इंशाल्लाह आपका ये मसला ठीक हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। ये मेडिसिन 30 potency वाली 750 रुपये की आपको पाकिस्तान में होम्योपैथिक के स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। इंडिया में ये मेडिसिन 200 रुपये की मिलेगी। तो अगर आपको ये मेडिसिन कहीं से नहीं मिल रही, आप मुझसे मंगवाना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो वो भी नोट कर लीजिएगा, 0315-710024। यही मेरा सिम नंबर है, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी नंबर पे आप मुझसे रब्ता करके कुछ पूछना है, जानना है, इलाज करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। कम्बिनेशन में मैं आपको मेडिसिन बता दूँ, साइनस के लिए, नेजर कैटर के लिए मेरे पास जो मेडिसिन मौजूद है, T3 और T38 ये ड्राप्स नेजल कैटर और साइनोसाइटिस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा मेरे पास सिरप भी है कैटर क्लियर, ये आपके सारे मसाइल ठीक कर देंगे जो जो मैंने अलामात बताए इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ये फ्रेंड्स यही था फिर मेरा आज का टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।